अस्सलामुअलैकुम। क्रिमिनल लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, शॉर्ट नोट में आएगा। क्रिमिनल लाइब्रेरी होती है द टर्म क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू ए पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड करे जो कंडक्ट करने जा रहा है कि मैं क्या क्राइम कंडक्ट कर रहा हूँ। उसको ये पता होना चाहिए जो मैं कत्ल करने जा रहा है एक आदमी, तो उसे पता हो कि मैं कत्ल करूंगा जिससे एक आदमी की जान चली जाएगी, वो इस दुनिया से नहीं रहेगा और मेरा ये बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स वट ए पर्सन इज थिंकिंग वेन ही कमिट्स ए क्राइम, जो सोच रहा होता है वही क्रिमिनल लाइबिलिटी उसकी। वट रिजल्ट इज एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड वन ए क्राइम इज कमिटेड, और क्या उसके नतज होंगे जब ये क्राइम होगा। लॉ डिफाइंस क्राइम्स इन टर्म्स ऑफ कमीशन या ओमिशन। कमीशन मतलब आप कोई एक्ट करके क्राइम करें और कभी कभी आप ओमिट करके भी क्राइम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी को ऑक्सीजन चाहिए, आपने ऑक्सीजन उसे नहीं लगाई, ओमिशन किया ना, तो ये भी क्राइम है। और आपको एक इंजेक्शन लगाना है, डॉक्टर दवा देनी है पेशेंट को, आपने वो दवाई नहीं दी, तो ये एक्ट किया आपने। एक्ट माने कमीशन और ओमिशन उसका ऑपोजिट है। मेंजरिया यानी गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट टू द मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट से इसका ताल्लुक होता है। तो ये क्रिमिनल लाइबिलिटी अपनी समझ में आ गई, जो आदमी जब जुर्म करने जा रहा होता है जो उसके दिमाग में होता है ये मैं जुर्म कर रहा हूँ और इससे और ये मैं इस किस नौयत का है, तो इसी को क्रिमिनल लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना।